नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत की गुत्थी परत दर परत खुलती जा रही है। दिल्ली पुलिस कई एंगल को ध्यान में रखते हुए इस केस की जांच कर रही है, जबकि इस मामले में एक और नई बात सामने आई है। मां उज्ज्वला एक बार फिर मीडिया के सामने आई और अपूर्वा रोहित के रिश्तों को लेकर उन्होंने एक बड़ा राज खोला है। उज्ज्वला ने बताया कि अपूर्वा और रोहित के बीच रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। उनके मुताबिक एक बयान निकला है, वो किसी शायद अपूर्वा का ही निकला है बयान, कि उसने किसे घर की जो आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि घर की रिश्तेदार की किसी महिला के ऊपर उसने जो अपना एक ये बयान में दिया है, मैं सिर्फ उसका खंडन करना चाहती हूँ। उसका बयान जो है आधारहीन है। क्यों? क्योंकि वो परिवार मेरी सेवा करता है और उस परिवार की जो रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी मेरी सेवा करते हैं और हमारे वो परिवार के लोग हैं वो मेरी सेवा करते हैं, तो उसको नहीं भाता है कि कोई भी यहाँ इस घर में कोई भी इम्पोर्टेंट रहे। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को, कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए, हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ करके? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है, घर बहुत सूट करता है। यहाँ तक रोहित को तंग किया कि जब उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरी माँ पर इतने आधारहीन और गंदे आरोप लगाए, मेरी सीधी सरल माँ के ऊपर अर्थात उज्ज्वला के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए हैं, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि मैं उनको अपना एक छोटा सा इसने कमरा ले रखा है चौथी या तीसरी मंजिल पर, यहाँ पहले से ले रखा था, शादी से पहले से ले रखा था, जहाँ से आया करती थी मिलने के लिए। तो उस कमरे में ही कहने लगी मैं अपनी माँ को इतना ऊपर ठहरा नहीं सकती हूँ, तो तुम मुझे मकान बना के दो। रोहित ने कहा भाई मैं कहाँ से मकान बना के दूँ, मेरे तो सीमित। पता नहीं इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है, तो वही इनके दिमाग में नाचता रहता है कि बस कैसे कितना निकाल लें। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि अपूर्वा और उसका परिवार प्रॉपर्टी के लिए तमाम? जी हाँ, उनका बिल्कुल इरादा पैसे के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। तो बहुत आपको लगता है उसी के चलते कि ये पूरी साजिश हो सकती है? मुझे ये मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती, मैं तो ये मैं वहां तक मेरी इमेजिनेशन नहीं जाती। मैं ये मानती हूँ कि इन लोगों की कई बार बात हुई कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, म्यूचुअल रोहित ने कई बार कहा कि म्यूचुअल डाइवोर्स की भी कई बार बात हुई, फिर बातचीत होते होते ये हुआ कि जून में जाकर के लें। बता दें कि इधर पुलिस भी मृतक रोहित शेखर के घर पर डेरा डाले हुए है और सभी लोगों को अंदर ही हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के रडार पर रोहित की पत्नी अपूर्वा है, क्योंकि रोहित की मां उज्ज्वला ने उसे लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उज्ज्वला ने रोहित की मौत के बाद ही कहा था कि जिन परिस्थितियों में उनके बेटे की मौत हुई इसके बारे में वो बाद में बताएंगी। रोहित की मां उज्ज्वला ने अपूर्वा और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उज्ज्वला का कहना था कि अपूर्वा और उसका परिवार संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि रोहित जिस घर में रहता था वो सुप्रीम कोर्ट से पास है, जहां अपूर्वा प्रैक्टिस करती है। रोहित की मां ने कहा कि अपूर्वा का परिवार पैसे का लालची है। वहीं रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अपूर्वा मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं। उनकी और रोहित की मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। अपूर्वा के पिता भी पेशे से वकील हैं। इंदौर में वो जाने माने वकील हैं। हमेशा लाइमलाइट से दूर रहने वाली अपूर्वा दिल्ली में ही रहती हैं। वकालत के साथ साथ अपूर्वा सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती हैं। वहीं बता दें कि नारायण दत्त तिवारी लंबे समय तक रोहित को अपना बेटा मानने से इनकार करते रहे थे। 2014 में तिवारी ने अदालत के आदेश के बाद रोहित को अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। रोहित जनवरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे और एक साल पहले ही उन्होंने अपूर्वा शुक्ला से शादी की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।